दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह राजपूत आपके अपने चैनल मुकेश योर न्यूरोलॉजिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट दिशा, जिसे वायव्य की दिशा कहती है। वायव्य दिशा का संबंध कहीं ना कहीं चंद्रमा से होता है। चंद्रमा जो कि चंचल माना जाता है, चंद्रमा की प्रकृति चंचल है, घटने और बढ़ने की। इसी तरह वायव्य दिशा का संबंध कहीं ना कहीं हमारे मेहमान से लिया गया है, क्योंकि चंद्रमा स्थिर और लैक्स नहीं रहता है। उसी तरह वायव्य दिशा में जो भी हम बेडरूम बनाएं, वो बेडरूम कहीं ना कहीं गेस्ट का रूम होना सबसे जरूरी माना जाता है। वायव्य दिशा में आप गेस्ट को रख सकते हैं। वायव्य दिशा बेटियों के लिए सबसे अच्छी दिशा है, क्योंकि बेटियों को एक ना एक दिन दूसरे घर जाना होता है। जो बच्ची वायव्य दिशा में रहती है उसका कैरियर भी कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को छूता है और जल्दी से जल्दी जॉब पाती है, जल्दी से जल्दी उसका विवाह होता है और वो अपने पति के घर में जाके एक अच्छी जिंदगी जीती है। इसीलिए वायव्य की दिशा लड़कियों के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी गई है। दूसरा, वायव्य की दिशा में कभी भी बेटे को नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा की दिशा है, सपनों की दिशा है। यहाँ पे जो बेटा सोता है वो बड़े बड़े सपने देखता है, पर सपने को हकीकत में लाने का प्रयास नहीं कर पाता है। वो दिन रात बड़े बड़े ख्वाब देखता है, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर देंगे, ये होगा, ऐसी लग्जरी जिंदगी बनाऊंगा, ऐसे सपने देखता है और कहीं ना कहीं वो उसे पूरा नहीं कर पाता। जो दाम्पत्य वायव्य, जो व्यक्ति वायव्य की दिशा में पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, तो उनके जीवन में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका व्यापार बहुत अच्छी तरीका से नहीं चल पाता है, उनके व्यापार में कहीं ना कहीं अप डाउन देखने को मिलते हैं। इसीलिए वायव्य की दिशा, गेस्ट की दिशा, बेटी की दिशा, बुआ की दिशा अच्छी मानी जाती है। वास्तु में ये कहा गया है कि अगर वायव्य की दिशा में अगर घर का मुखिया, जिसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उसे सुला दिया जाए तो वो स्थिर नहीं रहेगा, उसके जीवन में समस्याएं आती रहेगी और वो कई बार 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 व्यापार चेंज करता हुआ दिखाई देगा। तो वायव्य की दिशा बच्चियों के लिए अच्छी होती है और मेहमान के लिए अच्छी होती है। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप लोग में कौन सा व्यक्ति वायव्य दिशा में सो रहा है और किस कौन से व्यक्ति को अच्छे बुरे सपने आते हैं, लाइफ को स्थिर नहीं कर पा रहा है। नमस्कार।